नमस्कार साथियों, आज हम ऑनलाइन क्लास में मनोविज्ञान की क्लास में अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत एक कनाडा के मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट एम बांडुरा के बारे में पढ़ेंगे। कहां के रहने वाले थे? कनाडा के। क्या नाम? अल्बर्ट एम बांडुरा। अल्बर्ट एम बांडुरा कहां के रहने वाले थे? कनाडा के। कनाडा के रहने वाले थे। इनकी 1986 में एक पुस्तक आई, नाम था सोशल फाउंडेशन थ्योरी ऑफ एक्शन। क्या था? सोशल फाउंडेशन थ्योरी एंड एक्शन। कब आई? 1986 में। अल्बर्ट एम बांडुरा की एक पुस्तक आई, नाम था सोशल फाउंडेशन थ्योरी एंड एक्शन। कब आई? 1986 में। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने एक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा था? सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक संज्ञानात्मक है अधिगम का सिद्धांत। इस नाम को अंदर हमने जैसे कि देखा, क्या है? एक समाज नाम है, दूसरा ज्ञान। इन दोनों नामों को हम ध्यान से देखें तो सीधा अर्थ होता है समाज का ज्ञान। व्यक्ति वो अधिगम जिसमें व्यक्ति समाज के ज्ञान को समझता है, या समाज के व्यवहार को समझता है, या समाज से ज्ञान लेकर, या इसको हम से भी लिख सकते हैं, क्या समाज से ज्ञान लेकर अधिगम करता है। कौन सा हुआ? अल्बर्ट एम बांडुरा का सिद्धांत। इनको क्या है कि व्यक्ति समाज को देखकर सीखता है, अवलोकन करके सीखता है। कौन सा हुआ? वो सामाजिक अधिगम। कैसा अधिगम? समाज से सीखा तो सामाजिक अधिगम। कहां से सीखा? समाज से। हम क्या कहेंगे? सामाजिक अधिगम। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? सामाजिक अधिकरण। ज्ञान कहां से हुआ? समाज से। किसी को देखकर सीखना, इसको अधिकरण भी बोल सकते हैं या अनुसरण भी बोल सकते हैं। ये क्या होगा? सामाजिक अधिकरण का सिद्धांत। इसका हम उपनाम पढ़ते हैं, उपनाम। पहला कौन सा होगा? निदर्शन। निदर्शन है ये, निदेशन नहीं है, निदर्शन। निदर्शन का सिद्धांत, निदर्शन, निदर्शन का सिद्धांत। और दूसरा प्रतिरूपण, प्रतिरूपण अधिगम का सिद्धांत। इसको हम अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम अवलोकन करके सीखते हैं। तो तीसरा कौन सा हुआ? अवलोकनात्मक, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। निदर्शन अधिगम का सिद्धांत। तो कौन कौन से हुए? पहला निदर्शन, दूसरा प्रतिरूपण और तीसरा अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर एक सिद्धांत, इसको विज्ञान के अंदर एक और थ्योरी दी गई। कहां दी गई? विज्ञान को पढ़ाने के लिए। उसको हम क्या बोलेंगे? मॉडलिंग थ्योरी ऑफ, मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या नाम दिया? मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग।
ये क्या है कि विज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है ये विधि? विज्ञान पर। और विज्ञान में क्या होता है? प्रयोगशाला होती है। प्रयोगशाला में क्या रखे होते हैं? मॉडल, जिसको हम निदर्शन भी कहते हैं। मॉडल को देखकर अधिगम प्राप्त करना, क्या बोलेंगे? मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। किसको देखकर अधिगम करना? मॉडलों को देखकर। और अवलोकन करके सीखना, किसका? समाज का अवलोकन। क्या हो गया? अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। और देखकर निदर्शन करके प्रतिरूपण रूप को ग्रहण करके आगे बढ़ना, ये क्या है कि सामाजिक अधिगम है। क्यों है कि समाज से ज्ञान लेते हैं, इसलिए इसको सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम भी कहते हैं, जैसे कि इनकी परिभाषा प्रसिद्ध होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? ये सिद्धांत उन्होंने सिद्ध किस प्रकार किया? इन्होंने बताया कि प्राणी क्या है? दूसरों का अनुसरण करके फिर सीखता है। किसका? दूसरों का अनुसरण। क्या होता है? देख के अपनाना। व्यक्ति समाज में क्या होता है? अच्छे व्यवहारों को देखकर अपनाता है। अच्छे व्यवहारों को हम मान्य व्यवहार भी कहते हैं। मान्य व्यवहार को देखकर अपने जीवन में अपनाना और अमान्य व्यवहार को देखकर अपने जीवन से त्याग करना, इससे जो प्राणी सीखता है इसे ही अधिगम कहते हैं। ये किसके सिद्धांत थे? एल्बर्ट एम बंडूरा के। इसके सिद्धांतों को हम एक उदाहरण से सीख सकते हैं। जैसे हमारे घर में या हमारे आस पड़ोस में कोई लड़की अपने रिश्तेदारी में दूसरे घर जाती है, तो वहां पर जाकर वो देखती है कि घर के अंदर खाना कैसे बनाया जाता है या डिश कैसे तैयार की जाती है। वही लड़की उसका अवलोकन करती है, कैसा खाना तैयार हुआ। वो खाना देख के वो सेम खाना आके अपने घर भी बनाएगी, वही डिश अपने घर भी तैयार करेगी। वो क्या क्या अवलोकन करके सीखी? कहां से सीखी? वहां जाके रिश्तेदार में देखा कि खाना कैसे तैयार करते हैं और घर आकर वो ही खाना तैयार कर दिया। इसे बोलते हैं अवलोकन, अवलोकन करके सीखना। आगे इन्होंने व्यवहार के दो बताए हैं प्रकार। व्यवहार के कितने प्रकार बताए हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? जैसे कि इन्होंने बताया मान्य, पहला कौन सा हो गया? मान्य व्यवहार। और दूसरा अमान्य व्यवहार। जैसे कि नाम से सिद्ध हो रहा है, मान्य जो व्यवहार है वो हमारे समाज में मान्य हो। किसमें मान्य? समाज में। जो व्यवहार या जैसे व्यवहार जिनका हमारे समाज में मान्यता हो, उनको हम कौन सा व्यवहार कहेंगे? मान्य व्यवहार। मान्य व्यवहार क्या करता है? व्यक्ति अपनाता है। प्राणी मान्य व्यवहार अपनाता है, और अमान्य व्यवहार जिससे सम्मान में कमी हो उनको व्यक्ति छोड़ता है या त्याग करता है। तो ये क्या हुआ? सामाजिक अधिगम। समाज को देखकर जो अधिगम हुआ उसको क्या बोलेंगे? सामाजिक अधिगम। यही अल्बर्ट बंडूरा का नियम है कि व्यक्ति या प्राणी अपने समाज से सीखता है, मान्य व्यवहार को अपनाता है और अमान्य व्यवहार को छोड़ देता है। प्राणी क्या करता है? दूसरों का अनुसरण करके सीखता है। यही अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत था। इन्होंने अपने सिद्धांत में दो प्रयोग किए। कितने प्रयोग? दो प्रयोग। प्रयोग नंबर फर्स्ट कौन सा था? एक गुड़िया। गुड़िया कैसी? निर्जीव गुड़िया। उन्होंने गुड़िया को ले जाकर एक पार्क में छोड़ दिया, और पार्क के बीच से होकर जो रास्ता जा रहा था उनके बीच में छोड़ दिया, और संयोग से एक महिला वहां से गुजरी और उसे टकरा के नीचे गिर गई। महिला ने क्या किया? खड़ी होके उससे निर्जीव गुड़िया को अपशब्द या गाली देने लगी। गाली देने के बाद उसकी पिटाई भी कर दी और उनको गाली देते हुए वहां से निकल गई। अल्बर्ट बंडूरा ने यह सारा दृश्य जो देखा कि गुड़िया से महिला टकराई, उसको अपशब्द बोले, गालियां दी, बाद में उसकी पिटाई भी की और चली गई, एक कैमरे में कैद कर लिया, और उसके बाद एक विद्यालय में जाके 50 बच्चों को वो ही सेम घटना बच्चों को दिखाई। बच्चों ने बड़ी ध्यान से घटना को देखा, और बंडूरा ने क्या किया? अगले दिन सभी बच्चों को लेकर उसी पार्क में आ गया, और पार्क में आकर बच्चों को भी क्या किया कि पार्क के बीच में से जो रास्ता गुजरता है उसी रास्ते पर उस गुड़िया को छोड़ दी। क्या छोड़िया? छोड़ा क्या? निर्जीव, निर्जीव गुड़िया। तो बच्चे ने क्या कैसा व्यवहार किया? जैसा कि उन्होंने कल
देखा, क्या देखा कि महिला उसे टकराई तो उसको अपशब्द बोले, गालियां दी और उसकी पिटाई कर दी, तो बच्चों ने भी क्या किया, वही किया, उस गुड़िया से टकराए, उनको गालियां देनी शुरू कर दी और उनकी पिटाई कर दी। जब अल्बर्ट बांदुरा ने यह प्रयोग अपना दिखाया तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको अमान्य कर दिया। क्यों अमान्य कर दिया? कि गुड़िया निर्जीव थी और प्रयोग है वो निर्जीव पर नहीं हो सकते। इसको बाद में अल्बर्ट बांदुरा ने क्या नाम दिया, बोबोडोल। कैसा? बोबोडोल स्टडी, बोबोडोल स्टडी। यही प्रश्न आ सकता है कि बोबोडोल स्टडी कौन से प्रयोग में हुई है, तो वो प्रयोग था अल्बर्ट बांदुरा का प्रयोग। क्या प्रयोग किया? एक निर्जीव गुड़िया पर, लेकिन बाद में इसको अमान्य कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यह गुड़िया निर्जीव थी। फिर अगले प्रयोग में अल्बर्ट बांदुरा क्या कहा कि एक जोकर को लेकर उसी पार्क, पार्क के बीच में जो रास्ता गुजरता है उस पर एक जोकर को खड़ा कर दिया। कौन था जोकर? और एक बच्चा वहां से गुजरा, उन्होंने क्या है जोकर से हाथ मिलाए और उनसे अच्छी अच्छी बातें की और चला गया। उसी दृश्य को भी अल्बर्ट बांदुरा ने एक कैमरे में कैद कर लिया। फिर क्या देखा कि जैसे ही वो दृश्य बच्चे आए, क्या किया, जोकर से हाथ मिलाया, अच्छी अच्छी बातें की और चला गया। वो दृश्य बच्चों को दिखाया, 50 बच्चों को। तो अगले दिन वही प्रयोग उन्होंने उन बच्चों पर किया कि एक जोकर को पार्क के बीच में खड़ा कर दिया, सभी बच्चों ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि उन्होंने उस वीडियो में देखा। जैसा बच्चा देखेंगे बच्चे वैसे ही व्यवहार करेंगे, हमारे समाज में जैसा देखेंगे वैसा ही व्यवहार करेंगे। इन्होंने यह सिद्ध किया। किसके ऊपर प्रयोग था? जोकर पर। बच्चे भी जोकर के साथ हाथ मिलाते और अच्छा व्यवहार करते। तो क्या देखा कि जैसा बच्चा देखते हैं बच्चे वैसे ही व्यवहार करते हैं। इसके बाद उन्होंने दो प्रयोग हुए, हमने इसका उदाहरण कैसे समझा कि एक लड़की दूसरे घर में जाकर डिश या खाना बनाना सीख लेती है, वो कौन सा सिद्धांत था? अनुसरण या अवलोकन का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा? सामाजिक संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, इसको हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इनकी एक पुस्तक कब आई? 1986 में। अल्बर्ट बांदुरा की पुस्तक कब आई? 1986 में। कौन सी पुस्तक थी? सोशल फाउंडेशन थ्योरी एंड एक्शन, ये था पुस्तक का नाम। अल्बर्ट बांदुरा कहां के रहने वाले थे? कनाडा के रहने वाले थे। कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। इसके उपनाम कौन कौन से हैं? निदर्शन, निदर्शन मतलब मॉडल, देख के कोई चीज को समझना या अधिगम प्राप्त करना। पहला था निदर्शन अधिगम सिद्धांत, दूसरा प्रतिरूपण अधिगम सिद्धांत और तीसरा अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। और विज्ञान के अंदर इन्होंने एक प्रयोग दिखाया और बताया कि विज्ञान में क्या होता है, प्रयोगशाला होती है, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में क्या होते हैं, प्रयोग या मॉडल लगे होते हैं, उनको देखकर बच्चे सीखते हैं। मॉडलिंग थ्योरी में इन्होंने क्या बताया कि जैसे कि एक टीचर बच्चों को प्रयोगशाला में लेके जाता है, कौन से बच्चों को, विज्ञान, जो विज्ञान पढ़ते हैं, और प्रयोगशाला में एक मेंढक काटना सिखाता है। सर्वप्रथम बच्चे मेंढक नहीं काटेंगे, सिर्फ टीचर है वो मेंढक काटेगा और बच्चे क्या करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। क्या करेंगे? अवलोकन। ये कौन सी थ्योरी है? मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग में बताया गया है कि और बच्चे अवलोकन करेंगे। एक बार अवलोकन करने के बाद दोबारा सभी बच्चों को एक एक मेंढक दिया जाता है और वो उसके ऊपर प्रयोग करते हैं, तो सभी बच्चे अपना प्रयोग सफल कर सकते हैं। तो ये क्या था? मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये किसने दिया है? अल्बर्ट बांदुरा ने। कितने प्रयोग किए? दो प्रयोग। पहला प्रयोग किस पर था? निर्जीव गुड़िया, और नाम क्या था? बोबोडोल स्टडी। दूसरा कौन सा था? जोकर पर प्रयोग, और ये क्या किया, एक कैमरे में कैद कर बच्चों को दिखाया, यही इनका प्रयोग था। इनको हम अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक लड़की दूसरे घर में जाकर खाना बनाना सीख कर आती है और खाना अच्छा होगा तो वही खाना आकर अपने घर पर बनाएगी। इसे ही कहते हैं अनुसरण करके सीखना। कितने प्रकार बताए व्यवहार के? दो प्रकार। कौन कौन से? मान्य व्यवहार और अमान्य व्यवहार। मान्य व्यवहार क्या होते हैं? बच्चा अपनाता है, और अमान्य व्यवहार बच्चा त्यागता है।
कि बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने समाज को कहां कहां से सीखता है, समाज, समाज में कोई क्या आएंगे, हमारा विद्यालय, परिवार, मित्र और पड़ोसी और गांव, यहां से बच्चा जो देखेगा हमारे समाज में वही सीखेगा। तो ये सिद्धांत हमें क्या शिक्षा में इसका क्या महत्व है, शिक्षा में ये सिखाता है कि बच्चे अवलोकन करके सीखते हैं, इसलिए मॉडलिंग, मॉडलिंग थ्योरी को अपनाना चाहिए। मॉडलिंग थ्योरी, जिस वस्तु को बालक देख के सीखेगा तो उसको कभी भूलेगा नहीं। और दूसरा इसके अंदर एक आता है कौन सा, अधिकरण, सामाजिक अधिकरण का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये भी समाज से सीखता है, जो मान्य व्यवहार होगा उसे अपनाएगा, अमान्य होगा उसे छोड़ देगा। यही प्राणी के दो व्यवहार हैं। तो मेन चीज इसमें एक तो ये सामाजिक संज्ञानात्मक अधिकरण का सिद्धांत याद रखना। किसने दिया, अल्बर्ट बांडूरा ने। कब दिया, 1986 में। कौन सी पुस्तक थी, सोशल फाउंडेशन थ्योरी और एंड एक्शन। कहां के रहने वाले थे, कनाडा के। इनके अन्य नाम, निदर्शन अधिगम, प्रतिरूपण अधिगम और अवलोकनात्मक अधिगम। प्रयोग किसने किए, दो प्रयोग, कौन कौन से, एक निर्जीव बेबी डॉल पे और दूसरा जोकर पर, बोबो डॉल स्टडी। नाम क्या था, बोबो डॉल स्टडी। ये थोड़ा याद रखना, प्रश्न आ सकता है। तो ये था हमारा अल्बर्ट एम बांडूरा का सिद्धांत। तो साथियों कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।